मौसीकारों को यहाँ स्टूडियो में भेजो। क्या कहने हैं? कामपुर के खाना साबुन बुला रहे हैं। साबुन तो कभी किसी ने मुगल पुरे नहीं बुलाया। जी खास है। साबुन तो मैंने साबुन कभी मोर ही लाया। हाँ हाँ। खैर बेच बुलाया। नवे कपड़े भी पहले लगता छोटे मुंडे का हकीका है। नहीं लगता बढ़िया ना हकीका है। मैंने तो लगता नवी जोड़ी का ब्याह होया। एक ही नवी जोड़ी हो पार्टी पुरानी जोड़ी। मैंने लगता और जुतियां दी जोड़ी है। ये हमारे मेहमान है पाकिस्तान थिएटर टेलीविजन फिल्म की मकबूल फनकार है नवाज अजम। अच्छा जी बिस्मिल्लाह की हाल है भैया। बड़ा नाम सुनिया थोड़ा जी। बड़ा नाम पाया पाकिस्तानी शो में पर ड्रामिया के देखी ना से जिंदा भी नहीं अरे यहाँ बीबी होने की लेडीज हेल्प पर करने देखिए बात सुने जरा अकल से बात सुने जी। ये खातून जो है ये मौसीकी की दिलदादा है। क्या कहने साढ़े जल्दी है और ये गुलुकारी सीखना चाहती है और आज के दौर की जो पॉप मौसीकी है ना ये पॉप मौसीकी किस तरह की मौसीकी है जी आजकल की ये वो सीखना चाहती है पुराने नगमे जो नूर जहां ने गाए मेहदी हसन साहब ये नैयर साहब इखलाक अहमद मानूर जो गा चुके हैं वो लोग ये उस तरह के गाने सीखना चाह रही है। फिर चंगी जगह तो बुलाया मैडम नूर जहां गाने किन्ने सिखाए ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਿਖਾਏ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੌਲੀ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਅਤਾਬ ਨਾਮ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸੁਣੋ ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬੱਚਿਆ आपके वालिद की दुआ बाद में हो जाएगी आप पहले अपना मकबूल गाना सुनाए खातून। बैठे क्या हो गया आपको गाना तो सुनाए ना। हाय हाय वाह जी वाह क्या बात है लो जी थोड़ी नजर है शुक्र है सानू किसी ने पुराने गाने दी फरमाइश की हाय हाय बड़े तंग सा जी अच्छा जी हाय 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 लो जी बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर क्या शाबा बच्चा बह जा मेरे कोल तेनू तकदीर रवा बह जा मेरे कोल तेनू तकदीर रवा बह जा मेरे कोल अरे वाह बैजा मेरे कोल तेनु तकदीरवा बैजा मेरे कोल तेनु जी जी से आगे भी तो गाएगा इससे आगे जहाँ और भी है। हाँ तो नूर जहां चौधरी बर्फा लगा
इससे आगे यही गाना इससे मतलब आगे बढ़ाए ना. अच्छा अच्छा आगे बढ़ाए आगे बढ़ा के आगे बढ़ा के कितना जी मतलब ये गाना इतना ही है इससे आगे नहीं है, है जी? तो फिर सुनाए ना क्या बात है क्या है कहना कि अगली लाइन सुनाए जी जी क्या बात सुनाए आगे अच्छा बैठ जा बस कर दे आपको कोई और गाना आता है तो वो नवाज अंजुम साहब को और उस खातून को शागिर्द होने के लिए आई है कम से कम ऐसे तो कोई चीज सुनाए कि वो मैंने आपसे कहा था कि हमारे फनकार पूरा के मौसीकार बड़े मौसीकार हैं सुनाए जी मेहदी हसन तो फनकार पूरे का ये बहुत बुरा ये फनकार है नहीं जी नहीं आप सुने तो सही अभी उन्होंने सिर्फ जुबान से बात की बदतमीजी की नहीं जिंदगी की राह टकरा गया कोई जिंदगी की राह बैठे बैठे मिलता मिलता टकरा गया कोई एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई बजा मेरे बात करे मैं सब आपका लिहाज कर रहा हूँ वरना ये ढोल की बाजा ये थोड़ी देर बाद बाहर भी पड़ा होगा की कह रहे हो तुसी एक मिनट भाईजान बात सुने वो बड़े फनकार हैं जी जी वो काम सीखने के लिए आई हैं आपने ये जो बैजा है ना एदी बैजा बैजा कराती है ये आपने आप बैजा मेरे को ये नहीं करना हाँ हाँ कोई भाई अपने आप को अच्छा मौसीकर साबित करें कोई इससे अगला गाना सुनाए मलका तरन्नम नूर जहां का कुछ बेटा चेंज कर ले चेंज तो सुनांदे ही रहने चेंज कर ले तो फैल ले आदि साहब दी एक एटम में हां 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 वाह 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 वो तो आगे पेश करने बड़ी शख्सियत को हटा ले लो सर उस्ताद घराना सारिआं दा साडे उस्तादां दे लियाए होए कौम है बेशक बेशक सब नु साडे उस्ताद ले क्या बात है बिस्मिल्लाह करें वे माया तेरे वेखन नु चुक चरखा गली दे विच डावा वे माया तेरे वेखन नु चुक चरखा गली दे विच डावा वे लोका पाणे वाह वाह बड़ा कत दी रंग तेरिया यादा दे पावा वे माया तेरे वेखन नु बजा बोल आपने तो मेरी भी इंसल्ट करा दी और पूरे फनकार पूरे की इंसल्ट करा दी है समझ चेंज ही कर ले खलो जा मेरे कोल ये भाईजान आपकी शागिर्द बनने के लिए आई हैं एक लाख रुपया आपको उन्होंने उस्तादी शागिर्दी की नजर पेश करनी है 5 किलो के मिठाई के डब्बे लेकर आई हैं वो दो दो आपके लिए बोझ की किस फूट लेकर आई हैं वो जो आप नट्ठे में तब्दील हो सकते हैं बोरियां गल्ला करन दे करेले गोश्त घर से बना कर लाई हैं आपके लिए ये ना जवाइयां वाला साल ये ना हो कि वो अब हमें खाना पड़े नहीं लाख रुपया वापस भेजना पड़े बोझ की के दोनों सूट नवाज अंजुम साहब को और मुझे पहनने पड़े जी। और जो है आपके मुकद्दर नसीब में उनके जूते हो तो मसाला सारियां चपेड़ा मारने वाली हाँ ये लोग नई मौसीकी को रिजेक्ट कर चुके हैं ये नई मौसीकी के लिए आए हैं अब आपका जो
कौमी गीत है ना बह जा मेरे को वो नहीं सुनाना जी ठीक, कोई और अच्छा सा गाना सुनाना है ताकि वो आपकी शागिर्द हो जाए। ओए शागिर्दा प्लीज लाख रुपया ओदे कोले लख दी लानत तेरे ते। जी सुनो जी मैडम नूर जहां दी एक गजल है आप सुनाएं, आप ये हाथ ना जोड़ें। अगर नहीं किसी ने सुनी तो फिर हमें भी ना सुनाए। ये जो आपने जो हालात किए हैं पैदा इसलिए तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। अरे क्या बात है, एक बार जी भर के सजा क्यों नहीं देते। वाह वाह क्या बात, सजा क्यों नहीं देते, अगर हर्फ गलत हूँ वाह तो मिटा क्यों, अगर हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। एक बार जी भर के सजा क्यों नहीं जी। और इस बात का कोई हौसला मीडिया पर करके नहीं रहा कि अच्छी मौसीकी को फरोग देने के लिए कुछ किया जा सकता है। जी कोई बता ही नहीं रहा कि आवाम इस मौसीकी को पसंद नहीं करती, आवाम वही मौसीकी और वही मधुर नगमे चाहती है जो मेरे असर खान साहब गा गए, जो गुलाम अली खान साहब, नुसरत फतेह खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, मैडम नूर जहान, पता नहीं कितने बड़े बड़े गुलकार गाते हैं और आज के फनकार जिनकी मौसीकी समझ में नहीं आती और वो आगे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे गानों को आगे ला रहे हैं जिनके लिरिक्स की समझ नहीं आती, उसकी बुनियादी वजह क्या है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी हुकूमत और हमारे इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तवज्जो असल गायकी और असल मौसीकी की तरफ खत्म हो चुकी है और वो सिर्फ अपने चार पैसों की खातिर बेहुदा और बेहंगम किस्म के गुलकारों पर तवज्जो देकर उनकी मर्जी के मुताबिक ऐसी मौसीकी तैयार कर रहे हैं जो दिलों को सुकून और राहत देने की बजाय ज़हनों को डिस्टर्ब करती है। खुदारा हमारे वतन के पुराने मधुर नगमों को और मधुर मौसीकी को वापस लाया जाए ताकि घर घर में हम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर उन गानों को सुन सकें। हमारे पास पाकिस्तान के ट्रेवल टेलीविजन का वो बड़ा फनकार बैठा है जो अदाकार होने के साथ साथ एक बड़ा गुलकार भी है। अब हम इनसे सुनेंगे, आप आप अगर इनकी मौसीकी इनका गाना उनको अच्छा लगे पुराने पर्चे की भी आपसे माफी मांगेंगे और आपकी शागिरी दी जाए और मैं पैसे भी नहीं लूंगा आपको मुफ्त। चलो बिस्मिल्लाह करो, वाजा चुको सेलची। वाह रे वाह, वेखियां लाया तेरा हसनाया मिल दे सारा वे पे गियां जुदाया अखियां लाया तेरा हसनाया। क्या कहें, बहुत लोकी मैनू तेरे ताने देंदे हाय कहने कली जान के पूछ हाल सजना तू मेरा वे कदियां के सानू भी ते उच्छ मर गए पास जा सानू के
जी मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कि अच्छा गाने वाला आज भी ऐसे ही गाता है कि दिलों को उनकी आवाज़ छू लेती है। और मेरे इस प्रोग्राम की सूरत में एक पैगाम है ऐसे पुराने मौसीकारों के लिए जो टैलेंटेड भी हैं और सब कुछ कर सकते हैं मगर हौसला हार चुके हैं। हौसला मत हारिए और उम्मीद है कि आप ये भी हौसले से दोबारा काम करेंगे तो पाकिस्तान की मौसीकी में खूबसूरत गानों का और खूबसूरत मौसीकी का ज़रूर इजाफा होगा और पाकिस्तानी आवाम मजबूर नहीं रहेगी गैर मुल्की मौसीकी सुनने के लिए। इजाज़त दीजिए हमें, मैं बहुत मशकूर हूँ नवाज़ अंजुम साहब का और तमाम अपने फ़नकारों का, अपनी टीम का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर प्रोग्राम के इन बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए और अपनी अच्छी तजावीज़ और राय दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।